मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री ठाकुर भूपेंद्र सिंह साहब। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सर क्या लग रहा है महापौर के टिकट कब तक हो जाएगा सागर में? आज की संभावना है। जिस तरीके से सर विरोध के सुर निकल के आ रहे हैं कि ब्राह्मण को अगर टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ता नवीन भट्ट का कहना है, उपाध्यक्ष पार्टी के, वो अब सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में पार्टी को संभालना मुश्किल नहीं हो रहा? प्रत्याशी घोषित होगा तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और व्यक्तिगत अपनी बात कार्यकर्ता रखते हैं। क्या लगता है सर कि जैन समाज से कार्यकर्ताओं का दिल उब गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब चीज़ों पर विचार करती है। परसों हमारी चुनाव समिति प्रदेश की जो है वो लगभग रात के 12 बजे तक बैठी और 12 बजे तक बैठकर एक एक नगर निगम के महापौर के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और चर्चा करने के बाद कहीं नाम सिंगल भी हैं, कहीं पैनल भी है, तो उसमें फिर जो हमारी कोर समिति है उसने पार्टी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो बाकी लोगों से जहां बातचीत करना है करके और आजकल में घोषणा करेंगे। बात करने की शुक्रिया सर। थैंक यू। भूपेंद्र सिंह साहब का कहना यह है कि पार्टी अध्यक्ष बहुत जल्द सागर में और तमाम मध्य प्रदेश के जो महापौर के टिकट होना उनको फाइनल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।